आपको अपने घर में जो अच्छा नहीं लगता है आचरण से, उसका स्वभाव आपके बच्चे में न आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये कथा है। ये घर में अच्छे बुरे दो प्रकार के लोग रहते हैं। कभी कभी तो महिला का पति ही सबसे खराब होता है घर में, पर अब क्या करेंगे, साथ में रहते हैं तो गर्भवती हो जाते हैं, भगवान की लीला है गर्भ। तो पति अगर धूर्त है, नालायक है, तो पत्नी को बिल्कुल बिना संकोच के यही भगवान से कहना चाहिए, प्रभु एक भी गुण मेरे पति का मेरे बालक में ना आए, आप कुछ ऐसा कर दो। जैसे ही कयाधु गर्भवती हुई और ये खुशी खुशी हिमालय चला गया तप करने के लिए ब्रह्मा का, अब कयाधु कहती है प्रभु ऐसी रक्षा करो कि 9 मास तक वो लौट के ना आए। भगवान ने वही लीला की, महारानी कयाधु अपने बालक को लेकर पेट में नारद मुनि के आश्रम में चली गई और पति से चुपके चुपके दीक्षा ग्रहण कर ली। गर्भवती महिला अगर गुरु बना लेती है, दीक्षा ले लेती है, तो फिर उसका जीवन तो सफल हो ही जाता है, साथ में उसके बच्चे को भी दीक्षा प्राप्त हो जाती है, फिर दुनिया में कहीं भी उस बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होती है। कोई अवलंब, कोई लालच, कोई बुराई उसके लिए पर्दा बन जाती है। फिर जो कंपनी से गढ़ के आती है मजबूती, वो हमेशा काम देती है, गाड़ियों में, घोड़ों में, जहां भी आपको देखना देख लो, जो कंपनी से मजबूती आती है वो हर जगह काम आती है। अच्छा, कई लोग क्या गाड़ी तो खरीद लाते हैं, गाड़ी की सेफ्टी के लिए आगे गाड़ी के कार के बोनेट पर मडगार्डर लगा लेते हैं, पर वो मडगार्डर से कोई सेफ्टी होती नहीं है, छोटी मोटी खरोच अरोच होगी वो बच जाती है। क्यों? कंपनी ने मडगार्डर दिया नहीं है, इसलिए वो मजबूत दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। अगर कंपनी मडगार्डर बना के देती तो सच में वो झेल लेता एक्सीडेंट। एक बार दुनिया में आकर मजबूती ग्रहण करना, मजबूती संभालना बहुत कठिन है, मिलता नहीं मजबूत सामान, मजबूत तो बन के आना है, और नहीं तो संसार में आके भी एक मौका है तुम्हारे पास में, सद्गुरु के चरणों में चले जाओ, पूरे जीवन पर एक ऐसा मजबूत लेयर लगवा लो, चारों तरफ से केवल मडगार्डर के चारों तरफ से लेयर लगवाओ, चारों तरफ से लेयर हो जाएगा तो गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी, खतरे से बहुत राहत मिलती है। आज ये कथा क्या कह रही है, पत्नी पति से परेशान, पति का अंश लेके बैठी है पर पति जैसा नहीं चाहती है, इसका मतलब अच्छाई और बुराइयों का प्रॉब्लम है, आस्था और व्यवस्था का प्रॉब्लम है। पत्नी को ये भाव है कि कैसे भी पति के कुल का कल्याण हो जाए, और पति के कुल का कल्याण वही स्त्री कर सकती है जो अच्छा पुत्र पैदा करे, अच्छी औलाद पैदा करे, और वो भी संभव तब होगा जब महिला अच्छी होगी। महिला भी सोकसान में भरी हुई है तो औलाद का अच्छा होना ना होना बराबर है। हर कथा में एक बार मैं कहता हूं, पुरुष पति चाहे जितना भी दुर्जन हो जाए, पर महिला को अपनी जगह पर मर्यादित रहकर रहना, तो फिर कुछ भी घर में नुकसान नहीं होगा। अच्छा, पति भी खराब और महिला भी मस्तानी, तो घर में बचेगा क्या? पुरुष चाहे पुण्य करे न करे, पर महिला के पुण्य से घर चल जाता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए महिलाओं को बहुत सारी जिम्मेदारियां अलग से दी हुई हैं ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, ये व्रत कर लो, ये पूजा कर लो, तुम्हारे पति का भला हो जाएगा, तुम्हारी औलाद का भला हो जाएगा। आज तक किसी भी पंडित पुजारी ने पति को नहीं कहा कि ये मंत्र जाप कर ले, तेरी पत्नी का भला हो जाएगा। तो महिलाओं को कुछ तो अलग से मिला हुआ ही है ना। 3 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते, तीनों दिन की कथा में घूम फिर के बात वही आती है जो आप आ गई कथा में। कथा जो कह रही है, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी जहान के उड़ान उड़ लो, पर बिना संत के चरणों में जाए कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। महारानी कयाधु बड़े घर की बहू है, पर कहां नारद के पास क्यों गई? वो जानती है कि उसी कारखाने में निर्माण हो सकता है, राक्षस कुल में देवता आ सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई प्रोसेस नहीं है ऐसा कि राक्षस के घर में देवता आ जाए। अगर ये चमत्कार होगा तो तभी होगा जब कोई संत कृपा करेगा, कोई गुरु कृपा करेगा।